हेलो, गुड मॉर्निंग एजी क्लास स्टूडेंट। टुडे आई रीड इंग्लिश। ओके, यू नो इंग्लिश, जिसमें ए बी सी डी होता है। ठीक है, आप लोग वो बुक ओपन करो। और अभी तक हम लोगों ने वॉवेल पढ़े थे ना, ए और ई का वॉवेल आपको लर्न हुआ। ये देखिए, ई का वॉवेल का एक्सरसाइज है। यहाँ तक आप लोगों ने सब फिनिश कर लिया था, एक्सरसाइज टेस्ट भी दे दिया है। अब हम लोग कौन सा वॉवेल पढ़ेंगे? आई साउंडेड वॉवेल। इसमें आई साउंड मीन्स आवाज़ निकलती हो आई की, वो वॉवेल्स पढ़ते हैं। तो ये देखिए क्या बना है, के आई टी ई, काइट। काइट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आई वॉवेल। ये वॉवेल जिस वर्ड के बीच में आई का वॉवेल दिखाई देगा, उसको हम आई साउंडेड वर्ड बोलेंगे। तो के आई कैसे बोलते हैं आई साउंडेड वर्ड? आई, तो के आई काइट, काइट। बी आई बी यानी बी ब, बिब। एन आई बी आई बोलते हैं ना, निब। तो हम आई का जो वॉवेल उच्चारण होता है यानी साउंड होता है, वो ई, बड़ी ई से निकलता है। तो निब। एफ आई एस एच फिश, फी निकल ना, फिश। आर आई एन जी क्या, तो आर आई री। देखो आई का चाहे तो आई से ई निकलेगा, तो रिंग। बी आई एन बिन, कहीं भी आपको आई दिखेगा किसी भी वर्ड के आगे, तो आप उसको ई समझ के बोलना। तो बी आई एन बिन। के आई डी किड। जेड आई पी जेप। ठीक है, जैसे मैंने बोला ऐसे ही घर पे रीडिंग करना, बोल बोल के लर्न करना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, किसमें जोड़ते हैं तो कैसे होता है। अगर हम आई एन इन, आई है हमारा, यहाँ से क्या निकल रहा है? इन, आई निकल रहा है, तो ई न इन है ना, इन। अब इन के आगे हमने कोई भी अगर वर्ड जोड़ा, ठीक है, देखिए कोई भी वर्ड जोड़ा हमने, सपोज बी या एस, तो जो इसके वर्ड्स के साउंड होते हैं, तो बी से साउंड क्या निकलता है? बा। एस से निकलता है सा। टी से निकलता है टा। तो क्या हो जाएगा? बी यानी ब, बी आई बी न बिन। एस आई एन सेन। टी आई एन टेन। एच आई एन हेन। ऐसे ही के आई एन किन। ठीक है, अब इट, हर किसी में ई, यानी ई से पढ़ना है, तो एफ, इसके आगे हमने एफ जोड़ दिया, तो क्या हो गया? फिट। एफ आई फी ट, फिट। बी आई बी ट, बिट। एस आई सी ट, सिट। पी आई पिट। पी आई टी पिट। एच आई टी हिट। ऐसे इड में आपने कुछ भी जोड़ो वही इड बनेगा। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे ना का उच्चारण निकलता है ना, यहाँ पे टा, टी का मतलब टा, तो इट हो जाएगा। डी का मतलब डा, यानी इड हो जाएगा। ठीक है, तो बिड, डी आई डी डिड, एच आई डी हिड। यहाँ पे आई का उच्चारण हिड नहीं, हाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हिड भी, हिड बोलेंगे इसको। के आई डी किड। एल आई डी लिड। ऐसे ही डिप। एस आई पी सिप, सिप मीन्स पीना। एन आई पी निप। जेड आई पी जिप। ठीक है, आई डबल एल एल, यहाँ पे डबल एल है, तो एल यानी ला, आधा ला पूरा ला होता है। ठीक है, एल बिल। एफ आई डबल एल फिल। एच आई डबल एल हिल। हिल मीन्स क्या होता है? नुकीली कोई चीज, नो। ठीक है, पी आई डबल एल पिल। अभी आप लोग एक्सरसाइज, हाँ आप देखो यहाँ पे पी है ना, आई पी अगर हम लगा, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया डा, डा होता है, डी का मतलब डा होता है हिंदी में, टाका टा। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या उच्चारण? पाग, यानी आई पी प, इप। ठीक है, आई ल इल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको इजी रहे इसलिए समझाते हैं। अब इसकी मैचिंग इन्होंने करी, यहाँ पे इन्होंने देखिए मैचिंग क्या करी है, ये क्या बना है आप सबको पता है इंग्लिश में, अगर थोड़ा बहुत, किड, किड मीन्स क्या होता है? बच्चे होते हैं ना, किड, किड्स होते हैं ना, तो किड बना। निड नहीं हो सकता है, एच ई डी हिड नहीं हो सकता है, छुपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो कोई निशान नहीं बना, आप पहचानो ये क्या है, निक है क्या? नहीं है निक। निब है, कोई नुकीली मतलब निब, नोक है, नहीं है। तो ये क्या है? टीन दिख रहा है, टीन का डिब्बा दिख रहा है ना, तो टिन हो जाएगा। ठीक है, तो टिन का डिब्बा। ये क्या है? पिग, पिग भी नहीं हो सकता, पिग मीन्स तो पता ही होगा। इंक दिख रही है, नहीं दिख रही, तो टिप, टिप मीन्स क्या होता है? नोक, नुकीली। पी आई पी पिप। जेड आई पी जिप। एस आई पी सिप। सिप मीन्स क्या होता है? पीना। ये क्या कर रहा है? सिप कर रहा है, ये स्ट्रॉ से इसको सिप कर रहा है। पिक, डिप, पिन, ये क्या हो जाएगा? पिन है आपका। जिग नहीं है, पिग नहीं है। फिग, फिग मीन्स क्या होता है? अंजीर होता है, खाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको ये होमवर्क करना है, होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो सब लोग। ये आई साउंडेड वर्ड है, आपको यहाँ पे देखिए इसने क्या एक एग्जाम्पल दिया है, एस आई टी सेट, सेट मीन्स बैठना। ठीक है, ये बैठ, आई ही आपको पूरे उसने फिल करना है। ये देखिए आई आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो
तो ये आई आपको हर जगह फिल करना है लिखना है बोलना। और बोल के करिएगा, ये नहीं कि बस हाई फटाफट फटाफट फिल कर दिया। कैसे लिखेंगे? बी आई, ठीक है हम करके बता रहे हैं, बी आई बी, बी आई बी ब, बिब, एल आई ली ड, एल आई बोलेंगे एल आई ली ड, लिड, एस आई पी सिप, ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, अब ओ साउंडेड मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। ठीक है, अब आपको इंग्लिश में आप वो करिए रिटर्न जो होती है इंग्लिश। ठीक है, अभी तक आपने किया था, ये हो चुका है होमवर्क आपका। यहाँ तक आप लोग कैपिटल लेटर कर्सिव लेटर कर चुके हो। ठीक है, अब आपको स्मॉल लेटर कर्सिव करना है। यहाँ से स्मॉल लेटर, देखिए इन्होंने स्मॉल लेटर, अभी तक आप सिंपल से बना रहे थे ना, कैसे बना रहे थे, ए हम लोग ऐसे जाते थे ऐसे बनाते थे, कुछ बच्चों को ऐसे आता है, कुछ बच्चे केवल ऐसे बना रहे, तो ये नहीं चलेगा कर्सिव में, ये वाला चलेगा। ठीक है, तो बी हम लोगों का ये नहीं चलेगा, जो बहुत लोग जल्दी से बी बनाते हैं ना कर्सिव में, हम लोगों का बी ये चलता है। तो यहाँ पे कर्सिव लेटर लिखना है, ये आपको करना है। सिंपल सा एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, फिर इसमें सी बना दीजिएगा, सी को मिलाकर एक ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे भी बना लीजिएगा। जो बच्चे नहीं बना, जिनको देख के पूरा डिक्टो उतारना आता है वो उतार सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे बी में ऊपर लाइन गई, फिर इसमें से निकाल के नीचे लाए, सेकेंड लाइन 1 2 थर्ड है, थर्ड पे पहले लाए, फिर थर्ड से वापस ऊपर सेकेंड लाइन में गए और अंदर से घुमा दिया। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, जैसे लिखा है वैसे ही आपको नक्कल मार के इसमें लिखना है और बोलना है मुझसे। ठीक है, ये पूरा आप फिल करेंगे, प्लस जितनी भी स्मॉल लेटर है पूरी जेड तक आपको ये फिल करना है। एवरी डे 1 पेज आप लिख के राइट करके सेंड करेंगे वीडियो व्हाट्सएप पे। जो बच्चे गलत लिखेंगे उनको सही करने के लिए बोला जाएगा, जो बच्चे सही लिखेंगे उनको गुड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डन करना है होमवर्क आपका, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भेजेंगे। ठीक